लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से झारखंड के कोने कोने में जा रहे हैं, हर एक विधानसभा में जा रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं। लेकिन इस समय हम लोग बोकारो के बेरमो विधानसभा में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना के बाद जोरदार तैयारियां चल रही है। इस पूरी तैयारी की देख रेख बेरमो के विधायक बाटुल महतो के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए खुद बाटुल जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, दिन रात एक किए हुए हैं मुख्यमंत्री के आगमन को, तो ये आगमन को किस तरह ले रहे हैं आप? देखिए, ये मुख्यमंत्री आशीर्वाद यात्रा जो चल रहा है, ये यात्रा के क्रम से जन जन को जगाना और डबल इंजन की सरकार से क्या सरकार को लाभ है, आम जनता को क्या लाभ है और आम जनता के अपेक्षा के लिए जो है ज़रूरत जो है डबल इंजन की सरकार, उसके औचित्य को दर्शाने के लिए और जो हमने 5 साल में जो हमने काम किया है, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं आई है, राज्य सरकार के जो योजनाएं आई है और हमने अपने क्षेत्र में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक जो विकास किए हैं, इन सारे विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान के तहत में इस कार्यक्रम को लिया गया है। और केंद्र सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमको टारगेट दिया है 65 बार कि इस बार में 65 पार्क हम झारखंड में अपना बहुमत साबित कर करके हम पूर्ण बहुमत की सरकार और ऐतिहासिक सरकार बनाएंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह यात्रा है। 21 तारीख को हमारे विधानसभा में लगभग 2 बजे हमारे विधानसभा में इन करने का प्रोग्राम है। उसकी तैयारी के लिए हम टोल टैक्स बालीडी में उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करते हुए जैना मोड़ आएंगे। जैना मोड़ में उनका भव्य स्वागत होगा, फिर यहां से हम लोग तुपकाडी में जाएंगे, तुपकाडी में उनका भव्य स्वागत होगा। बेरमो की धरती जहां फुसरो हिंदुस्तान पुल में उनका भव्य स्वागत होगा, वहां से हम लोग फुसरो बाजार पूरे मानव श्रृंखला लगा करके वहां पुष्प की वृष्टि होगी और पूरे वहां पर खुला जीप में माननीय मुख्यमंत्री जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर वहां से हम लोग बेरमो 4 नंबर और 4 नंबर के बाद फिर जरंगडी के बाद कठारा में आम सभा है और कठारा में आम सभा को संबोधित करते हुए वो फिर गोमिया विधानसभा में इन करेंगे। जो आपके विपक्ष के लोग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और जो भी दूसरे विपक्ष पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार बेरमो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बाटुल जी को कांग्रेस से ज़्यादा खुद घर में ही खतरा है। घर के लोग मुखर होकर अब बाहर निकलने लगे हैं और उनके विरोध में बोलने लगे हैं, तो कितना नुकसान होगा सर आपको इस बार विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक भी पार्टी है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं, जिनका इच्छा है कि हम भी विधानसभा चुनाव में लड़ें, उनका अधिकार है, वो पार्टी से आग्रह करेंगे। लेकिन ओवरऑल में जो पार्टी निर्णय लेती है, उस पार्टी निर्णय के साथ सारे लोग एक साथ जुट होकर के कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके चुनाव में काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेष खासियत है और हम लोग स्वतंत्र हैं। आज अपने पार्टी के पास में अपना बायोडाटा दे रहे हैं, अपना अर्ज रख रहे हैं और इसलिए कोई खतरा का विषय नहीं है, किसी तरह का खतरा का विषय नहीं है। मैं अपने में पूरे, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज़ादी के 72 साल के बाद हमारे 2 कार्यकाल में और उसमें भी 2014 से 2019 का जो मेरा कार्यकाल है, 72 साल के इतिहास में सबसे स्वर्णिम कार्यकाल है, जहां मैंने करीब करीब आज 1200 करोड़ की लागत की योजनाएं, विधायक मत छोड़ करके 1200 करोड़ की योजनाएं जो है हमारे क्षेत्र में सरजमीन पर उतरा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेयजलापूर्ति योजना है, ग्रामीण सड़क का है, PWD सड़क का है, उसके अलावे विवाह मंडप का है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से जो है 3-3 ग्रिड का स्थापना हुआ, एक महत्वपूर्ण पुल
जो लोग बरसों से अपेक्षित थे वैसे पुल बने हैं, इसलिए आज के दिन में 1200-1300 करोड़ का काम चल रहा है। ये 72 साल के इतिहास में पहला बार है बैरमो विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुआ है। फिर भी सर इतना विकास आपने किया, फिर भी पार्टी के लोग ही मुखर होकर अब सामने इंटरव्यू देने लगे हैं, बोलने लगे हैं, तो कितना दुख लगता है। यह दुख का कोई विषय नहीं है, ये हर आदमी की इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, उनको अवसर मिले, ये हर आदमी चाहता है। वो पार्टी विचार करती है कि पार्टी के किसको लड़ाएगी, वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सोशल मीडिया में एक तस्वीर अभी बहुत चर्चित था, लोग सोशल मीडिया में आपके जैनम ओर से लिख रहे थे कि विधायक जी का काम सड़कों पे दिखे या ना दिखे, विधायक जी का 4 लेन पे मकान जरूर दिखता है इन 5 सालों में। मैं स्वयं एक विस्थापित हूँ बोकारो से, आप स्वयं भी जानते हैं, और मैं 4 लेन में जरूर घर बना रहा हूँ। पूरे आज के हमने 27 साल बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी किया, 2 बार विधायक रहे, लगातार जनसेवा का कार्यक्रम किए, मैंने आज तक एक मकान नहीं बनाया। और बैरमो के लोगों की इच्छा थी कि आप बैरमो विधानसभा में रहें, इस दृष्टिकोण से मैंने जना मोड़ में मकान बनाया है। और जना मोड़ में यदि हमने मकान बनाया है तो कोई 2 नंबर का पैसा से नहीं बनाया है। मैंने जो वेतन हमको मिल रहा है, जो BSL में हम 27 साल काम किए उसका जो मेरा जमा है, ये सारे विषय को लेकर के हमने घर बनाया है। घर बनाना गुनाह है क्या? मैं पहला विधायक हूँ 81 विधानसभा में कि आज 5 साल से मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ। कौन ऐसा विधायक है जो भाड़े के घर में रह रहा है? इस बात को भी लोगों को और देखने का नजरिया होना चाहिए कि मैं भाड़े में घर में रह करके लोगों की सेवा कर रहा हूं। आज यदि हम घर बना रहे हैं तो वैसे लोग की मानसिकता, मैंने निम्न मानसिकता है, वैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक और सर मामला बहुत चर्चित हुआ था अभी कुछ महीने पहले, आप ही की पार्टी की जिला परिषद है नीतू सिंह, वो धरने पर बैठी हुई थी, जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी यहाँ आते हैं लेकिन धरने पर नहीं आते हैं, और विधायक जी का 60-गांठ है इसीलिए वो नहीं आते हैं। ऐसा है कि जो कार्यक्रम होता है पार्टी के सहमति से होता है, मैं भी पार्टी का एक सक्रिय और वफादार कार्यकर्ता हूँ। ये कार्यक्रम उनका धारणा का कार्यक्रम नीतिगत रूप से उनका व्यक्तिगत निर्णय था, और व्यक्तिगत निर्णय को लेकर के ना उन्होंने हमको क्या उनका डिमांड है उसकी कॉपी दिया, ना हमको एक दिन कहा, ना हमसे एक दिन पूछा, ना हमारे जिला अध्यक्ष से पूछा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में नियम है कि यदि आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस जिला के अध्यक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, जिस मंडल में आप कार्यक्रम कर रहे हैं उस मंडल के अध्यक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के यदि कार्यक्रम तय होता तो उस कार्यक्रम में पूरी तरह से पार्टी खड़ा रहती। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, और व्यक्तिगत निर्णय के हम पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, हम पार्टी के निर्णय के पक्षधर रहे हैं। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले आजसू पार्टी ने एक पद यात्रा किया काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में, काशीनाथ सिंह ने भी जबरदस्त हुंकार भरा और कहा कि इस बार ये सीट आजसू के खाते में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ये सीट लूज करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हमारा गठबंधन है, और एक अस्थायी गठबंधन के रूप में ये गठबंधन जाना जाता है। हमारे राज्य के नेता, हमारे राष्ट्र के नेता जो तय करेंगे, और उस तय के हिसाब से जो सीट आजसू के खाते में जाएगा वो आजसू लड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। ये हमारे ऊपर के नेतृत्व पर निर्भर करता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा सर, एक और लास्ट प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं का देश है, और बैरमो विधानसभा में इस बार चर्चाएं बहुत जोरों पे है कि जो बैरमो के पूर्व विधायक थे राजेंद्र सिंह, उनके पुत्र जो हैं जयमंगल सिंह, इस बार चुनाव में उतर सकते हैं, तो जब युवा चुनाव में उतरेगा तो आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा? देखिए, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ, अपने संगठन के बल पर विश्वास करता हूँ, और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ है, जिस तरह से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 साल में काम हुआ है, हमने जिन योजनाओं को सरजमीन पर उतारने का काम किया है, प्रत्याशी का है चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत इस बार में बैरमो विधानसभा में होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो सुना आपने,
ये थे बेरमो के विधायक श्री बाटुल महतो, जिन्होंने हर एक बात का विभाग जवाब दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में कोई फूट नहीं है। आगामी 21 तारीख को होने वाला रैली आपको बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी एकजुट है। घर के मुद्दे पर भी जो सोशल मीडिया में चर्चित था कि विधायक जी का घर दिखता है, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है कि इतने साल के राजनीतिक कैरियर में आज तक भाड़े के घर पर रहने वाले पूरे झारखंड में कोई अगर विधायक है तो हिमांशु जी आप बताएं। मैं विस्थापित का बेटा हूं और विस्थापित के साथ रहना चाहता हूं, क्या रहना गुनाह है? अगर गुनाह है तो गुनाह हमने किया है, अपने लोगों के बीच रहने के लिए मकान बनाया है और मकान भी अपने पैसे से बनाया है। अब तो ये आने वाला वक्त ही 21 तारीख को बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी एकजुटता है और कौन कौन लोग साथ चलेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, अंतर्कथा न्यूज़।